आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ देखो। ब्यूटीफुल, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है बेबी। चॉइस तो नवाब साहब की हुआ करती थी। दिख रही है नवाब साहब की चॉइस? इसको चॉइस नहीं, मजबूरी कहते हैं, मजबूरी। क्या संजू, अपनी सास से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। चलो छोड़ो, इधर लाओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें ब्रेसलेट पहनाती हूँ। ऑल योर्स। किससे चुम्बा के आयो? किससे? पूछ रही हूँ, पूछ। किसने दिए? हकलाओ मत। बताओ संजू, बहुत गुस्से में हूं मैं, हाथ काट दूंगी तुम्हारा, जल्दी बताओ। ये काटा है मुझे। ये ना, मैं बस में आ रहा था ना, तो ये दो लड़कियां आपस में झगड़ पड़ी बहुत बुरी तरह से, ना बाल पकड़ पकड़ के लड़ रही थी एक दूसरे का, तो मैं मुझे लगा कि इंसानियत के नाते चलो इनको छुड़वा देता हूँ मैं, तो मैं बीच बचाव में गया तो एक ने मुझे काट लिया। भलाई का जमाना ही नहीं है, ऊपर से तुम भी शक कर रही हो मेरे ऊपर यार कश्मीरा। देखा कश्मीरा, मैं ना कहती थी कि लड़कियों को देखकर इसकी शक्ल वैसी दरिंदे जैसी हो जाती है, तभी तो लड़कियां इसे देखकर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती है कि जैसे कोई वैम्पायर देख लिया हो। ओ फिजूल की थर्ड एम्पायर, हमारा का आउट मत दो, हां मैच का पता नहीं है, कुछ कमेंट्री कर रही हो बीच-बीच में। कमेंट्री तो नवाब साहब दिया करते थे। तो रिक्शा पकड़ के लखनऊ क्यों नहीं निकल जाती? मम्मी से ठीक से बात नहीं कर सकते हो ना, तो अंदर चले जाओ। ठीक है, खाना दे देना, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। बेटा साजन, इससे पहले कि मैडम आ जाए कर दे काम। मीडियम कदकाठी का गोलू पोलू सा शख्स। गोलू मोलू सा तो है। आपकी हाइट क्या होगी? 5'6" नो, 5 or 6? 5'6". गॉड, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। नहीं नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी इंची टेप लेके आ जाता हूँ, आप नाप लीजिए। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन मिस्टर साजन, इट्स जस्ट दैट किसी ने मुझे कुछ कहा जिन पे मैं कंप्लीटली ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन आपको देख के उस ट्रस्ट पे मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मोहब्बत के बाद यकीन का कोई वजूद नहीं होता, और जब इश्क हो जाए तो खुद को भी यकीन नहीं होता। That's great, Mr. Sajan, that's great. अच्छा, आपको देख के आपके इतना तो ग्रेट नहीं है, but it's good. I'm impressed. Thank you. Oh. साहब! What? कहाँ पे? Oh my God! हट जाओ वहाँ से! Really? आप साहब को हटने के लिए कह रहे हैं? नहीं मैडम, मैं आपको हटने के लिए कह रहा हूँ, हट जाइए, काट कूट लेगा वो। That's not a dog. No, easy. मेरे लिए
लिए अपनी जान से खेल गए? कौन? माय गॉड बेटा, तुम्हारे कंधे पे कॉकरोच है। ओहो बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई। एक मिनट हटा उठा। ओहो, ये तुम्हारे बालों का शेड था। आई एम सॉरी मैडम, चाय ले आओ मैडम। So stupid, पता नहीं मैं भी मिस्टर साजन के बारे में ऐसे क्यों सोच बैठी। मेरे रियल साजन तो सिर्फ वो ही हो सकते हैं, जस्ट हिम। ओहो, वाह, आज क्या शॉपिंग कर लाई? तुम्हारे लिए तो लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच बेबी। मुझे पता है कि मैं दुनिया का सबसे लकी पति हूँ। इतना प्यार करती हो ना तुम मुझसे। वही तो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए किस डिटेक्टर लेके आई। ये क्या चीज है? इससे हम बीवियों को पता चल जाता है कि उसका पति कहाँ कहाँ मुंह मार रहा है, किस किस की किस ले रहा है। बस ग्रीन लाइट रेड होते से हमें एक फोन लगाना होता है। उससे क्या होता है? उससे एम्बुलेंस आती है और पति की लाश को लेकर चली जाती है। थैंक यू बेबी, थैंक यू। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं दुनिया का सबसे सबसे ठरकी पति हूं। मैं सबसे ठरकी आदमी हूं। मैं कितना शक करती हो यार तुम मुझ पे, कितना शक करती हो। और नहीं तो क्या, कभी शर्ट पे निशान, कभी हाथ पे निशान। सारे एक्सीडेंट तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? मेरा ये ना तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारी माँ बोल रही है तुम्हारे अंदर से। मम्मी को बीच में लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बीच में नहीं ला रहा हूँ, ये तो तुम लोगों का खानदानी रिवाज है कि पति पत्नी के बीच में या तो माँ आएगी या साला आ जाएगा या दादी आ जाएगी। मरे हुए लोग तक आते हैं बीच में। समझो यार बेबी, कुछ तो समझो यार। हाँ, मैं तुम्हारे अलावा सच में किसी भी लड़की से बात नहीं करता हूँ। मैं कभी देखा है तुमने मेरे फोन पे किसी और का फोन आते हुए, किसी लड़की का फोन आते हुए देखा है मेरे फोन पे तुमने? ये किसका फोन है? खिलौनी का ही आया होगा यार इस टाइम। खिलौनी का ही तो आता है, और कोई फोन करता है क्या मुझे इस टाइम पे? किसका फोन है? मोहतरमा की खिदमत में नाची सलाम पेश करता है। सलाम आशिक जी, कैसे हैं आप? बस यूं समझ लीजिए कि जमाने के समंदर पर लुटेरों का पहरा है, इसलिए इश्क का जहाज तालाब में ही रह रहा है। क्या बात है, इतनी गहरी बात आप इतने फनी तरीके से कैसे बोल देते हैं? I'm impressed. शुक्रिया शुक्रिया। आप बताएं, आपने बरबस ही हमें कैसे याद किया? Well, क्या कहूँ मैं आशिक जी, I've tried everything, लेकिन आज तक मेरे दिल को कोई छू नहीं पाया है। जब से मैं आपको मिली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अब से नहीं, पिछले पता नहीं कई सालों से जानती हूँ। You know what? I think मुझे आपसे प्यार हो गया है। मर गए यार, मैं तो आशिक आवारा का सहारा लेकर मैडम के दिल पे तीर चला रहा था, और यहाँ तो मैडम खुद तीरंदाज के ही पीछे पड़ गई। ओके, आई नो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन से समथिंग आशिक जी, वैसे आपके इस शहर का एड्रेस भी मैंने ढूंढ निकाला है। अगर आप ऐसे ही चुप रहे तो मैं आपके घर आ जाऊंगी। मैडम, अगर असली आशिक के घर पहुंच गई तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। रहने दीजिए मगर माम, रहने दीजिए। आप हमारे घर पर आएंगी तो हमें दर्द होगा, आप नाहक परेशान हो जाएंगी। ऐसा मत कीजिए, हम ठहरे आशिक आवारा। हमारा कहाँ एक जगह डेरा, जहाँ दिल लग गया बस वहीं बसेरा। आजकल हमारा बसेरा कहीं और है, उस पते पर हम आपको नहीं मिलेंगे। वो सब मैं नहीं जानती।
आपकी बातों ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऑफिस में अभी इसी वक्त आए, और अगर आप नहीं आए तो मैं आपके घर आ जाऊंगी, और जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे मैं जाऊंगी नहीं। रहने दीजिए मोहतरमा, ये नाजीज खुद तशरीफ ला रहा है। आप बस सब्र का दामन थामे रखिए, बंदा खुद चल कर आ रहा है। I'll be waiting. किसका फोन था? किसका फोन था? बताया तो था खिलौनी का फोन है यार, देख लो लास्ट कॉल। खिलौनी से उर्दू में बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उर्दू बोल रहा था। तुम कितनी देर से मेरी बातें सुन रही हो खड़ी होके? आधे मिनट। एक मिनट पहले आती ना तो मैं पंजाबी बोल रहा था, और उसके भी एक मिनट पहले आती ना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि खिलौनी क्या बोल रहा है। क्यों? वो बंगाली बोल रहा था यार, उसके दिमाग पे चोट लगी, उसका दिमाग हिल गया, वो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है वो नर्स से तमिल में बात ना कर ले। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या मतलब? मैंने थोड़ी ना किया यार, वो तो वहां जाके पता चलेगा जब देखूंगा कि क्या हुआ, कहाँ टक्कर लेके आया वो। चलो मैं हो गया था। एक मिनट संजू, संजू हॉस्पिटल जा तो रहे हो, अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दूंगी। देख क्या रहे हो, जाओ। आराम से। अरे ठीक है, आराम से। ये है मेरा। अच्छा लगा आपके लिए सजाया मैंने। आशिक जी, आप नहीं जानते मैं आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप ठीक तो हैं? आशिक जी, मेरे सिर्फ एक हाँ करने से आप इतना कांप उठे? आगे आगे मैं जो करने वाली हूँ उससे आपका क्या होगा? क्या करना चाहती हैं आप? बस क्या हुआ, आपको मेरा डांस अच्छा नहीं लगा? बेहतरीन रक्स करती हैं आप, जैसे जन्नत की हूर खुद जमीन पर उतर आए हो। ऊपर वाला भी आपको देखकर सोचता होगा कि इन्हें मैंने जमीन पर क्यों उतार दिया। आपके लिए। You know, I'm crazy about you. तो शादी कर लीजिए। बुजुर्ग हो गए। आप समझ नहीं रहे, मुझे आपसे रूहानी प्यार हुआ है, जिस्मानी नहीं। आपके खूबसूरत रूह ने मेरे दिल में उह मचा दी है। आप समझ नहीं रही हैं मोहतरमा, रास्ते एक होने से जरूरी नहीं कि हम एक ही कारवां के सवार हों। हो सकता है आप एरोप्लेन की मुफीद हो और बंदे को साइकिल का इंतजार हो। मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या हसीन है, जवान है, और हमारा तो हुक्का बुझ चुका है। इन कोयलों में अब आग नहीं। आपके हुक्के के कोयलों को मैं सुलगाऊंगी। शादी तो मैं आप ही से करूंगी, आप समझती हैं। अगर मेरा दिल किसी पे आ गया तो मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमें पाकर आप क्या करेंगी? I don't know about that. आप मेरे पापा से मिलने अभी चल रहे हैं बस। लेकिन हम अपनी बीवी को क्या कहेंगे? चांद बीवी खाला है हमारी, हमसे भी ज्यादा उम्र दराज है, और तो और उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता। जब हम घर पर होते हैं तब भी वो कहती हैं कि आशिक तुम नजर नहीं आ रहे, और 10वीं मंजिल पर घर है हमारा। अगर उन्हें बालकनी नजर ना आई तो हम किसी को नजर ना मिला पाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
गुड नाइट। सुबह खैर। अरे यार मैं बाहर से जा रहा था, तेरे घर से पकौड़ों की खुशबू आई तो मैं आ गया। अरे यार क्या जबरदस्त पकौड़े बनते हैं तेरे घर पे। खिलौनी से उर्दू में बात क्यों कर रहे थे? उसके दिमाग पे चोट लगी है, उसका दिमाग हिल गया, वो अलग अलग भाषाएं बोल रहा है। चलो मैं हो गया था। एक मिनट संजू, संजू हॉस्पिटल जा तो रहे हो, अगर ये बात झूठ निकले ना तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दूंगी। बेटा सुन, सॉस है क्या? बिना सॉस के मजा नहीं आ रहा यार। इससे पहले कश्मीरा तुझे देखे तो लॉटरी की तरह निकल जाए यहाँ से, वरना वो मेरा टिकट फाड़ देगी। अरे यार भाभी ने तो पकोड़े दिए हैं बे। हाँ, इससे पहले कश्मीरा किचन से बाहर निकले तो घर से बाहर निकल जा। चल निकल निकल। भाभी किचन में नहीं है बे। किचन में नहीं है तो कहाँ है? ये पप्पी क्या दे रहा है, मैं झपड़ मार दूंगा तेरे। अरे सास घर में भिजवा देना भाई। ए, ए, खिलौने। तू मेरी पोती से झूठ बोलता है, रोज नई नई कहानियां सुनाता है। चल आज मैं तुझे हॉरर फिल्म दिखाती हूँ। दादी अपनी फिल्म शुरू करने से पहले मेरी हकीकत सुन लो। पहले मैंने कश्मीरा से झूठ बोला था, लेकिन मैं बाहर किसी लड़की के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा था, मैं बल्कि मैं गरीब बेघरों की मदद कर रहा था। तू जो भी बोलेगा मैं वो सब मान लूंगी। नहीं मानोगी, मुझे पता है ना खानदानी प्रॉब्लम है ये तो आप लोगों की, नहीं मानोगी, लेकिन मैं भी खानदानी हूँ इसलिए मैं सबूत लेके आया हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं सबूत दिखाता हूँ आपको। दिखा सबूत, सबूत दिखा मुझे, सबूत दिखा। ये देखो आप, ये देखो कुछ समझी? छी, अब तो बूटियों पे भी डोरे डालने लग गए। मैं दिल चीर के भी दिखा दूंगा ना तो भी तुम दादी पोती को मेरा यकीन नहीं आएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इतना शक करते हो मुझ पे तुम लोग। मैं रोज रात को भेष बदल के सेंटा क्लॉस का रूप बना के गरीब बेघरों की मदद करने जाता हूँ, उनका दुख दर्द बांटता हूँ मैं, उनकी तकलीफें बांटता हूँ मैं। और अगर अब भी मेरा यकीन नहीं है ना तो ठीक है मैं भी ये घर छोड़ के चला जाता हूँ उन्हीं बेघरों के बीच रहने, इस उम्मीद में कि शायद कोई मेरे जैसा फरिश्ता भेष बदल के आएगा और मुझे दो वक्त की रोटी खाने को दे देगा। संजू तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दादी चली गई। हाँ, तुम्हारे जाने की बात सुनकर दादी चली गई। संजू प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। आई एम प्राउड ऑफ यू, कल से मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कश्मीरा तुम क्या करोगी यार चल के? तुम्हारी मदद तो मैं यहीं कर देता हूँ ना। संजू मैं भी वही करूंगी जो तुम करते हो, गरीबों की मदद। मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाती हूँ।